किसी ने सच ही कहा है भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। लेकिन किसी ने ये भी सच ही कहा है कि हर जगह भगवान नहीं हो सकते और ना ही माता पिता, और ना ही वो हर समस्या का समाधान निकाल सकते, इसीलिए ईश्वर का दूसरा रूप डॉक्टर को कहा जाता है। डॉक्टर जो है वो हमेशा अपनी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और दूसरों की जो भी परेशानियाँ होती है उसे बहुत ही बखूबी दूर करते हैं। डॉक्टर हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारे साथ आलोक मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार की डॉक्टर्स डे पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा, डायरेक्टर गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अयोध्या रोड, लखनऊ। विगत एक वर्षों से मैं आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़ा हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डेली इंसाइडर को, जिन्होंने चिकित्सक दिवस के अवसर पर हमें यह प्रिविलेज, यह अवसर प्रदान किया है कि मैं कुछ कह सकूं। निस्संदेह माता पिता के बाद अगर कोई नाम आता है तो वह डॉक्टर्स का आता है, जो एक नया जीवन प्रदान करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी आने वाले हमारे डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, वो समाज की सेवा में तत्पर रहेंगे। बाकी कोरोना काल में जब पूरा विश्व महामारी से गुजर रहा था तो हमारे चिकित्सक बंधुओं ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने जो वीरता दिखाई, जो बहादुरी दिखाई और जिस लगन के साथ पूरे इस महामारी के दौरान लगे रहे, निस्संदेह पूरी दुनिया में जो कोविड मैनेजमेंट है वह भारत का सफल रहा। आज हम लोग भी, चूँकि हमारा जो हॉस्पिटल है 100-बेडेड हॉस्पिटल है और आयुर्वेद ने यह सिद्ध किया है कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी महामारी भी हो तो उससे आयुर्वेद के माध्यम से हम लड़ाई कर सकते हैं। अयोध्या मार्ग पे हमारा गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उपलब्ध है, 100-बेड का हॉस्पिटल है जहाँ सभी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। हम आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न का भी ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि जब दोनों विधा एक साथ, दोनों थेरेपी एक साथ मिलकर काम करेगी तो निस्संदेह हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अपना स्थान स्थापित कर सकते हैं। मेरा निवेदन है सभी चिकित्सक बंधुओं से कि आप लोग मॉडर्न प्रैक्टिस तो करें, लेकिन साथ ही साथ आयुर्वेद की जो पुरातन संस्कृति, जो परंपरा है, जो भी आयुर्वेद में हमारे पास जो कुछ भी पहले से चीज़ें रखी हुई हैं उनका भी प्रयोग करके और पूरे समाज को, पूरे भारत को हम स्वस्थ रख सकते हैं। सर, आपने अभी कोरोना की बात की तो हम लोग कोरोना की ही बात करेंगे। किस तरह की चुनौतियां आप लोग को उस दौरान देखनी पड़ी और किस तरह की समस्याएं सबसे ज्यादा आईं? एक भय का आतंक था पूरे समाज में, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो पुलिस बल हो, लोगों के घर घर जा करके उन्हें आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल्स में ले आना और अपनी जान की परवाह न करते हुए भी हमारे चिकित्सा क्षेत्र के लोग, चाहे पैरामेडिकल के लोग हों या डॉक्टर्स हों, इन्होंने अपनी जान पे खेल करके लोगों को बचाया। इन्होंने निस्संदेह हम इस बात की प्रशंसा करना चाहेंगे कि कभी भी अगर कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो एक वर्ग ऐसा है जो सबसे आगे आकर के इन बीमारियों की रोकथाम में खड़ा रहता है। तो समस्याएँ तो आती हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम उसकी रोकथाम करने में आगे बढ़ सकते हैं। सर, लास्ट सवाल हमारा है आपसे, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जो भीषण महामारी आई उसके बाद से वो अपने आप को उससे तैयार रखें और उसके अलावा भी अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें? हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी। निस्संदेह अगर हम जो अपनी जीवनचर्या है उस पर नियंत्रण रखें, जो भी निर्धारित डोज है, वैक्सीनेशन है, वह सब लेते रहें और दिनचर्या में अपने परिवर्तन करें, निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा यही निवेदन है समाज से, सारे लोगों से, कि आप अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करें, बदले हुए माहौल में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर। तो डॉक्टर आलोक जी का साफ कहना है कि लोगों को अपनी दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत है और ज़्यादातर अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। डेली इंसाइडर की टीम आज 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मना रही है और हम सभी डॉक्टर्स का आभार करते हैं कि वो हमारे लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।